नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट के पहाड़ी की ग्राम पंचायत पनोटी पहुंची हमारी टीम। ग्राम प्रधान श्रीमती संगीता देवी, प्रतिनिधि प्रधान राम गणेश ने बताया कि जो पात्र हैं उनको आवास दिया जा रहा है। ग्रामवासियों को शौचालय दिया गया है। ठंड से बचाव के लिए लोगों को कंबल बांटे गए और शासन द्वारा धन न मिलने की वजह से काफी ग्राम पंचायत में सुविधा हो रही है। धन के अभाव के विकास कार्य बाधित है। गौशाला का भुगतान समय से नहीं किया जा रहा है। कर्ज लेकर गौशाला चलाई जा रही है। प्रधान श्रीमती संगीता देवी द्वारा गौशाला में भूसा, पेराली, कटिया, गुड़, नमक, स्वच्छ पानी की सारी सुविधाएं गौशाला की व्यवस्था की जा रही है। गौशाला में ठंड से बचाव के लिए लाभ की व्यवस्था की, तिरपाल की व्यवस्था, विधवा विकलांग पेंशन दी जा रही है। संवाददाता हीरामन यादव की रिपोर्ट। कौन सा गाँव है? ग्राम पंचायत पनौती है। यहाँ के प्रधान कौन है? प्रधान पत्नी है श्रीमती संगीता देवी। प्रतिनिधि राम गणेश यज्ञिक। अरे प्रधान जी, गांव में कई लोगों ने समस्या बताया गौशाला के लेके, आवासों के लेके, कि जो पात्र हैं उनको उनके भी नाव कट जाते हैं, तो उसका रीजन क्या है? असल में अभी क्या है, सरकार द्वारा एक साल लगभग 8 महीने हो गए, अभी तक सरकार द्वारा सर्वे नहीं कराया गया है। अच्छा, जो पुरानी प्रतीक्षा सूची है वही चल रही है, तो उसके आधार पर अभी कुछ लक्ष्य आया है जिसमें हमारे गांव में मात्र 5 नाम हैं। अच्छा, वो भी माइनॉरिटीज है। कुछ लोगों को बताया कि शौचालय भी नहीं मिला। शौचालय मिला है हमारे यहाँ तो लगभग 90% शौचालय मिल चुका है। कुछ लोग जैसे अब आज कोई परिवार है, कल बंटवारा कर ले रहा है। अच्छा, कुछ गौशाला में समस्या आ रही है, तो क्या वजह है? गौशाला में समस्या धन की आ रही है। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या 1 अगस्त 2022 से गौशालाएं संचालित हैं, जिसमें अभी पहली किस्त जारी हुई है, वो भी सबको अभी मिली नहीं है। 68 गाँव पहाड़ी ब्लॉक में है जिनमें आया है, लेकिन अभी वो प्रधानों के हाथ में नहीं आया। तो आपने अवगत कराया शासन प्रशासन को कि? शासन को हमने कई बार अवगत, डीएम साहब के पास हम खुद गए थे, 8-10 प्रधान प्रतिनिधि मिलकर के, माननीय जिला अधिकारी अभिषेक आनंद जी के पास 3 बार हम हुआ है वीडियो को। तो वहाँ से क्या आश्वासन मिला आपको? उन्होंने कहा कि हमने डिमांड कर दी है, पैसा जैसे शासन से आएगा तुरंत आपके खाते में। अच्छा प्रधान जी, बताइए, लमसम 1.5 साल हो ही चुके प्रधान जी के, तो आप जो मुद्दे लेके चुनाव में जनता के बीच गए थे, तो आप कितना खरा उतरे? धन के अभाव में हम उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, शासन द्वारा सहयोग नहीं मिल पा रहा। वित्त की धनराशि जो है वो 30% क्षेत्र पंचायत को कर दी गई, 30% जिला पंचायत को कर दी गई, तो 70% तो ऐसे कर दिया गया ग्राम पंचायत का, वो 70% बचा है, वो भी समय पर मिल नहीं पा रहा, तो विकास कार्य कैसे होंगे? धन के अभाव से विकास कार्य बाधित हैं। जो पूर्व में भ्रष्टाचार हुआ ग्राम पंचायत में, आप कितना आप माइनस कर पाए हैं? मेरे हिसाब से तो भ्रष्टाचार मुझे नजर नहीं आ रहा पूर्व में। पूर्व में नहीं हो रहा, कार्य हुआ है। अच्छा, कुछ लोगों ने बताया कि आवासों में कुछ धन लेके प्रधान दिया है, अब वो प्राइवेट बात अपना उनके बीच में रही हो, बात अलग है, मेरे संज्ञान में तो नहीं है। तो आप तो नहीं कर रहे हैं? मेरे पास ना, मैं अभी एक आवाज दिया ही नहीं, किसी को मिला ही नहीं, लच्चे ही नहीं मिला। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।